नमस्कार दोस्तों, आज मैं साल के सबके फेवरेट बन चुकी कांतारा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कांतारा मूवी के द्वारा हमें एक अलग एक्सपीरियंस के साथ अलग कल्चर के बारे में भी पता चलेगा, तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जिन्होंने भी ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कांतारा की कहानी की शुरुआत में ही हम देखते है कि सन 1847 में कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में एक राजा है, उसका खुशहाल परिवार है, उसके पास सब कुछ है पर उसको अंदर से खुशी नहीं है। तब वो एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उसे उपाय बताते हुए कहता है कि तुम्हें शांति जरूर मिलेगी तुम्हारे पिता के आशीर्वाद और माँ की ममता की तरह, लेकिन उसकी खोज करने के लिए तुम्हें जाना होगा और वो भी अकेले। तब राजा अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है। तभी राजा एक जगह पर रुक जाता है। उसे वहां पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज को सुनते हुए वो महसूस करता है कि उसे शांति मिल रही है। वहीं पर वो एक पत्थर को देखता है। उसके सामने वो अपनी तलवार छोड़कर श्रद्धा से उस पत्थर के सामने हाथ जोड़ता है। उसकी आंखें भर आती है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो इसी पत्थर से मिल रहा था। तब राजा डिसाइड करता है कि वो इस पत्थर को अपने साथ लेके जाएगा। तभी वहां पर कुछ लोकल गाँव वाले आते है और वो राजा को कहते है कि आप हमारे दैव पंजोरुली को यहाँ से नहीं ले जा सकते, लेकिन राजा कहता है कि वो दैवा के लिए सब कुछ देने को तैयार है। तभी एक आदमी का शरीर कांपने लगता है, वह जोर जोर से चीखता है। असल में दैवा पंजोरुली खुद उसके शरीर में आए होते हैं और वह दैवा कहते हैं कि वह राजा के साथ जाने को तैयार है, लेकिन बदले में राजा को गांव वालों के लिए उनकी चीख जहां तक जा रही है वहां तक जमीन देनी होगी और वो अपने साथ दैवा गुलेगा को भी लेकर तुम्हारे घर आएंगे, वो भी हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वचन कायम रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन गुलीगा कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। आखिर राजा उनकी सारी बातें मानता है और पंजोरुली दैवा को अपने घर में लाकर स्थापित करता है। उसी के साथ उसके जीवन में सुख शांति भी आ जाती है और दूसरी तरफ गांव वाले को कई जमीन भी मिल जाती है। और तभी से राजा के महल में दैवा का प्रोग्राम चलता है, जहाँ पंजोरुली दैवा खुद एक इंसान के शरीर में आकर गांव वालों की परेशानियां दूर करते है। इस प्रोग्राम को भूतकोला कहा जाता है। अब कहानी 1970 में आती है, जहाँ पर आज भी भूतकोला के प्रोग्राम हो रहे हैं। भूतकोला के दौरान एक आदमी के अंदर दैवा आ जाते हैं। वो आदमी दैवा बनकर नृत्य करता है। सारे लोग दैवा की भक्ति बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन राजा के वंशज का एक आदमी दैवा को नहीं मानता था। लेकिन हम देखते है कि वो आदमी दैवा से ही अपनी जमीन वापस मांगते हुए कहता है कि तुम मेरी जमीन वापस कर दो, नहीं तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन दैवा उसे समझाते है कि जमीन के वजह से ही तुम्हारे वंश में शांति है, अगर तुमने जमीन ले ली तो कर्ट तक जाने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो आदमी अपने अहंकार से कहता है कि ये बात दैवा बोल रहा है या कि एक नर्तक जो कि नाश कर रहा है। दैवा उसकी बातें सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और कहते है कि आज के बाद मैं तुम्हें अगर दिखा तो मुझे एक नर्तक समझना, वरना मैं दैवा। और एक मशाल लेकर वो भागते हुए जंगल के अंदर जाते है और वह एकदम से गायब हो जाते है। अब दैवा तो हमेशा के लिए गायब हो गए, पर जो आदमी दैवा बना था उसकी बीवी और बेटा शिवा को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था। दूसरी तरफ दैवा का विरोध करने वाला वो आदमी कोर्ट तक जाने से पहले ही सचमुच में खून की उल्टी करके मर जाता है। अब साल 1990 आता है। यहाँ पर हम एक भैंसों की रेस देखते है जिसे कम्बाला कहा जाता है। इसी रेस में शिवा भी भाग लेता है, जो की 20 साल पहले भूतकोला में दैवा बने आदमी का बेटा है। खैर, अब रेस होने पर शिवा सबसे तेजी से जीत जाता है, लेकिन सुधाकर नाम का आदमी बेईमानी करके उसके साहेबानी गांव के जमींदार जो कि देवेंद्र है उसके भैंसों को पहले नंबर से जिता देता है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जो साहेब जमींदार है वो राजा के वंशज का ही है और 20 साल पहले कोर्ट के सीढ़ियों पर मरे हुए आदमी का वो बेटा है। शिवा सुधाकर की चालाकी से गुस्सा होकर सबके सामने उसे कीचड़ में डुबो डुबो के बहुत मारता है, पर जमींदार शिवा को सपोर्ट करते हुए उसे मेडल देकर उसे जिता देता है और इनाम में उसे दारू देकर उसे बहुत खुश भी करता है और सुधाकर को डांटने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जमींदार शिवा पर बहुत भरोसा करता है, उसे सपोर्ट करता है क्योंकि शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन लगेली काम करता है, वो भी जमींदार के लिए, जैसे कि वो जंगल में जाकर सुअर और लकड़ियां काट के उन्हें देता है। अब हम शिवा के परिवार को देखते हैं, जहां वो अपनी माँ और चाचा के साथ रहता है। चाचा का एक बेटा भी है,
उसका नाम गरुआ है, जहाँ शिवा सारे गलत काम करता है जैसे दारू पीना, शिकार करना, झगड़ा करना, जुआ खेलना, लेकिन गरुआ उससे उल्टा होता है। वो एकदम अच्छा बेटा है, यहाँ तक कि वह भूताकोला में परफॉर्म भी करता है। असल में यही काम शिवा को करना चाहिए था क्योंकि वही असली वारिस था, पर शिवा देवा को नहीं मानता था। उसकी माँ उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहती थी। वही शिवा के दोस्त लच्छू, रंपा और बुल्ला हमेशा उसके साथ रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि गांव में इंस्पेक्टर मुरली आता है, जो कि गांव वालों को जंगल में से लकड़ियां या कुछ भी लेने से जाने से रोकता है, क्योंकि वो पूरा जंगल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट अंडर आने वाला था। पर गांव वाले और शिवा मुरली की बातों से इनकार करते हैं, क्योंकि सदियों से गांव वाले इस जंगल में गुजारा कर रहे थे। अब मुरली तो गांव में नया था, तब वो गांव वालों को जंगल जाने से नहीं रोक पाता। अब हम देखते हैं कि जमींदार मुरली को अपने घर बुलाता है, एक तरह से उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से काम करने का इशारा देता है, पर मुरली सिर्फ अपने तरीके से काम करना चाहता था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि देवेंद्र गांव वालों के सामने जितना अच्छा बनता है, असल में उसकी असलियत कुछ और ही है। अब रात को गांव में भूताकोला का प्रोग्राम होने वाला है, उसमें गरुआ परफॉर्म करता है। सारे लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। वही लच्छू की बहन लीला अपनी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म करके गांव आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवा लीला से प्यार करता है। वही मुरली देखता है कि इस प्रोग्राम में फटाके फोड़े जा रहे हैं। इस बात से वह गुस्सा होता है क्योंकि फटाकों की आवाज से जंगल में जानवरों को तकलीफ हो रही होंगी। वो यहाँ आके ये प्रोग्राम रोकने की कोशिश करता है, पर शिवा उसका विरोध करता है और उन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है और मुरली शिवा पर बहुत गुस्सा होता है। पर गांव वालों के वजह से वो शिवा को कुछ भी नहीं कर पाता, पर मुरली ठान लेता है कि वो एक दिन शिवा से इसका बदला जरूर लेगा। और मुरली गांव वालों के इस भूतकोला को भी नहीं मानता था। फिर आगे हम देखते हैं कि शिवा को सपने में दैवा दिखाई देते हैं। वो बचपन से ही अजीब सी आवाज और एक सुअर को देखकर डर जाता था। अगले दिन लीला के पिता शिवा से मिलने आते हैं और जमींदार से कहकर लीला को फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट दिलाने की बात करते हैं, क्योंकि शिवा जमींदार का अच्छा खासा आदमी था। शिवा तो लीला से प्यार करता है, तब वो देवेंद्र से कहकर उसे फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब भी दिला देता है। और देखते ही देखते लीला भी शिवा से प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ मुरली जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट करना चाहता है, इसीलिए वो गांव वालों को परेशान करता है। जो गांव वाले बिना परमिशन कर रह रहे थे, उनका घरों को वो तोड़ने लगता है और उस गांव को फॉरेस्ट के अंडर करना चाहता है। जब शिवा को ये बात पता चलती है, वो गुस्से में आकर मुरली का विरोध करता है, लेकिन इस बार मुरली का पगड़ा भारी था क्योंकि उसके पास लीगली ऑर्डर थे। ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की है, तो वो शिवा को रोक कर एक लकड़ी से बांध के रखता है और अपना काम करके चला जाता है। वही शिवा लीला से भी नाराज होता है क्योंकि वो भी मुरली के साथ ही थी। शिवा इस बात को नहीं समझता कि लीला अपनी ड्यूटी निभा रही थी। आगे हम देवेंद्र को देखते हैं कि वो अनपढ़ गांव वालों की जमीन अपने नाम करवाता है, वो भी एक वकील की मदद से। यहाँ पर देवेंद्र फिर से अपना असली चेहरा दिखाता है क्योंकि वो कोई अच्छा इंसान तो था नहीं, वो तो शिवा को अपने कांड करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करता है। एक रात को वो शिवा को लेकर जंगल जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी के होते हुए एक औरत से संबंध बनाता है। वो उस औरत के घर जाकर अपना काम करता है और शिवा बाहर अकेला बैठा होता है। तभी अचानक उसे दैवा बने अपने पिता नजर आते हैं। उन्हें देखकर शिवा बहुत ही डर जाता है और भागकर अपने घर चला आता है। अगली सुबह होते ही माँ उसे जंगल जाने के लिए डांट लगाती है, पर शिवा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब आगे हम देखते हैं कि शिवा देवेंद्र के लिए जंगल में इनलीगली लकड़ियां काट के देता है और हर बार मुरली के हाथों बच निकलता है। मुरली शिवा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर शिवा दोस्तों के साथ मिलकर अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देता रहता है। एक दिन रात को सुधाकर मुरली से मिलकर एक समझौता करता है कि वो साहेब के नीचे काम करके थक गया है। वो सीधा मुरली के लिए काम करना चाहता है और वो शिवा को पकड़ने में भी मदद करना चाहता है। तब मुरली उसकी बात मानकर अपने साथ गाड़ी में लेके जाने लगता है। तभी एक बड़ा सा पेड़ उसकी गाड़ी पे गिरता है, जो कि शिवा और उसके दोस्त तोड़ रहे थे। ये देखकर शिवा बहुत डर जाता है और साहेब से मिलकर एक्सीडेंट की बात बताता है। तब साहेब उसे कुछ दिनों के लिए जंगल में ही छिपने को बोलता है। यहाँ मुरली और सुधाकर इस एक्सीडेंट से बच जाते हैं। उन्हें चोट लगती है। सुधाकर कहता है कि ये सब शिवा ने किया है। तब मुरली शिवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकलवाता है, पर उसे शिवा नहीं मिलता क्योंकि शिवा जंगल में छिपा बैठा है। अब कुछ दिनों बाद लीला अकेली शिवा से मिलने जंगल जाती है। शिवा चुपके से उसके साथ अपने घर आता है। रात को वो दोनों एक दूसरे
दूसरे से प्यार करते हैं। पर अगली सुबह होते ही मुरली शिवा को गिरफ्तार करने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुरली ने शिवा को पकड़ने के लिए लीला के प्यार का इस्तेमाल किया। आखिर शिवा और उसके दोस्तों को जेल हो जाती है। सारे गाँव वाले शिवा को छुड़ाने के लिए साहेब से रिक्वेस्ट करते है, पर साहेब शिवा को जेल से नहीं छुड़ाता। एक दिन साहेब गुरुआ से मिलता है, उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर अपने जमीन पर लेके जाता है जो कि उसके पूर्वजों ने गांव वालों को दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि साहेब गुरुआ से कुछ मांगने के लिए यहाँ लाया है, पर शायद गुरुआ उसकी बात नहीं मानता। तब साहेब ने उसे मार दिया और उसी की लाश को देवा के मंदिर के सामने फेंक दिया। और उसी रात को शिवा को सपना आता है कि गुरुआ देवा का मेकअप करके रोते हुए शिवा के सामने आया है। वह बहुत घबरा जाता है। अब घर में गुरुआ की मौत से सब लोग बहुत दुखी होते है। किसी को भी समझ नहीं आता कि गुरुआ को किसने मारा। साहेब उसके घर में भी आ जाता है और ऐसा जताता है कि उसे भी गुरुआ की मौत से दुख हुआ है। एक दिन शिवा की माँ और लीला शिवा से मिलने जेल आती है और उसे गुरुआ की मौत की खबर देती है। शिवा अपने भाई को याद करके बहुत रोता है क्योंकि उसने रात को ही अपने भाई को अपने सपने में रोते हुए देखा था। दूसरी तरफ मुरली गाँव वालों की जमीन गवर्नमेंट को देकर रिजर्व फॉरेस्ट करवाना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि साहेब ने तो ऑलरेडी गाँव वालों की जमीन अपने नाम पर की है। तब मुरली राजू से मिलता है जो कि साहेब का विरोधी था। वो दोनों साहेब की जमीन की बातें करते हैं। तभी मुरली का एक आदमी फोन के द्वारा इनकी बातें साहेब को सुनाता है। तब साहेब को पता चलता है कि जमीन के डॉक्यूमेंट मुरली को मिल गए हैं। तब वो वकील को शिवा को जेल से छुड़ाने बोलता है और हम फ्लैशबैक में देखते है कि साहेब ने ही गुरुआ से कहा था कि जब वो दैवा बनेगा तब गाँव वालों को उसकी पुश्तैनी जमीन वापस करने को बोला था और बदले में उसको 5 एकड़ जमीन देगा। पर गुरुआ ने उसकी बात नहीं मानी और इसीलिए साहेब ने गुरुआ को ही मार डाला था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिवा जेल से छूटकर साहेब से मिलता है और गुरुआ को किसने मारा पूछता है। तब साहेब उसे झूठ बताता है कि मुरली ने उसे मार डाला है। तब शिवा गुस्सा होकर मुरली को मारने जाता है, पर वो हथियार बनाने वाले माधव के घर में रुकता है। लेकिन माधव से उसे पता चलता है कि गुरुआ को आखिरी बार साहेब मिला था और माधव ने उन दोनों को एक साथ जाते देखा। आखिर शिवा को साहेब की सच्चाई पता चलती है। वहीं पर साहेब के आदमी जो कि शिवा की बातें सुन रहे थे वह उस पर हमला करते हैं, पर शिवा उन सब को मार डालता है और साहेब के घर पहुंचता है। और इस बार शिवा साहेब को रियलाइज करवाते हुए कहता है कि आपका टाइम खत्म हुआ, अब सारे फैसले हम लोग लेंगे, और वहां से निकल जाता है। साहेब शिवा का बदला हुआ रूप देखकर समझ जाता है कि शिवा को उसकी सच्चाई पता चली है, तो वह अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करवाता है। यहाँ शिवा बाइक से जाने लगता है। अचानक उसके सामने उसके देवा बने पिता नजर आते हैं। शिवा डर के मारे बाइक से गिर जाता है। तभी उसके सामने एक सुअर नजर आता है जो कि हर बार उसको सपने में या फिर जंगल में जब वो जाता था तब उसे नजर आया था। शिवा इस बार बड़े हिम्मत से उस सुअर के सामने आता है लेकिन सुअर भागने लगता है। शिवा उसका पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक सर्कल बना होता है और देवा यहाँ पर गायब हुए थे। शिवा को यहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है और एक आवाज जो कि शिवा को सच्चाई का सामना करवाती है। दूसरी तरफ गांव में मुरली सारे लोगों को साहिब की सच्चाई बताकर उन्हें समझाता है कि ये सारी जमीन रिजर्व फॉरेस्ट को दे दो ताकि गवर्नमेंट को इस पर कब्जा हो, गवर्नमेंट से आप सभी को जमीने वापस आपके नाम हो, और यही तरीका है साहिब से अपनी जमीन वापस लेने का। आखिर गाँव वाले उसकी बात मान लेते है। साहिब का असली चेहरा पता चलता है। अब वही पर शिवा आ जाता है, उसे भी समझ आता है कि मुरली अच्छा इंसान है, बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। शिवा मुरली से कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो गांव वालों का साथ देना। मुरली उसे हामी भरते हुए कहता है कि शिवा हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन अस्तित्व एक ही है। शिवा कहता है कि मेरे पिता हमेशा मुझे पत्थर को ध्यान से सुनने को कहते थे क्योंकि दैवा बात करते थे, पर मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज उसी दैवा ने मुझे सच्चाई बताई है। अभी साहेब अपने लोगों के साथ गांव पर हमला करता है। शिवा गांव वालों और पुलिस के साथ साहेब के आदमियों को मुंह तोड़ जवाब देता है। यहां पर हम एक जबरदस्त फाइट देखते हैं, लेकिन साहेब के लोग शिवा पर भारी पड़ते हैं। एक आदमी शिवा को गले से पकड़कर उसे मार देता है और शिवा को जमीन पर फेंक देता है। आखिर साहेब गांव वालों को धमकी देता है कि या तो जमीन छोड़ दो या फिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते है कि दैवा खुद शिवा के अंदर आती है और शिवा दैवा के रूप में आकर बहुत
बहुत चीखता है और साहिब के आदमियों को मार डालता है। वहीं उसे देवा की मूर्ति के सामने तलवार मिलती है जो कि राजा की थी। वो तलवार लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये जमीन गांव वालों की है, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। भले ही पंजोरली देवा तुझे माफ कर दे, लेकिन मैं देवा गुलेगा तुझे कभी नहीं माफ करूंगा, और तलवार से साहिब को मार कर उसका अंत कर देता है। और आखिरी में हम देखते है कि शिवा भूताकोला में अपना आखिरी नृत्य करता है, सारे गांव वाले और मुरली को आशीर्वाद देता है। वहीं पर हम लीला को देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब शिवा सारे लोगों से मिलता है, उन्हें आशीर्वाद देता है और एक मशाल लेकर जंगल में भाग जाता है। वो वही जगह जाता है जहां उसके पिता गायब हुए थे और यहां वो देवा से मिलकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और ये कहानी यही पे खत्म होती है। तो ये था कांतारा मूवी का एक्सप्लेनेशन। कांतारा मूवी देखकर मुझे तो शौक ही लग गया है, ऐसे मूवी मैंने पहले कभी नहीं देखी। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी जो कि इस फिल्म के मेन लीड भी है, जो कि शिवा का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने इस कहानी को हम सबको दिखाकर एक अलग दुनिया में पहुंचा दिया है। उन्होंने सबको एक सीख दिया है कि अपने कल्चर अपने रूट को कभी मत भूलना। साउथ इंडस्ट्री में सबसे बड़ी खास बात है कि चाहे उनकी रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, वो अपने फिल्मों के जरिए एक से बढ़कर एक काम दिखा है, वो भी अपने ओरिजिनल रूट के फॉलो करते हुए, जो कि हमें आए दिन बॉलीवुड में ना के बराबर देखने को मिलता है। अब मूवी की बात करें तो एक कर्नाटक साइड प्रथा या कल्चर को दर्शाती है, जहां भूताकोला नाम से एक प्रथा है जिसे दर्शन पात्री देवाकोला आदि नामों से भी जाना जाता है। तुलुनाडु के तटीय जिलों और कर्नाटक के मलेनाडु के कुछ हिस्सों में उत्तरी केरल भारत में कासारगोड से आत्मा पूजा एक एनिमिस्ट रूप है। भूताकोला से देवताओं के लिए नृत्य किया जाता है। माना जाता है कि जो शख्स भूताकोला परफॉर्म करता है उसके अंदर पंजोरी देवी आती है और वो लोगों के परिवार के मुद्दों और परेशानियों को सॉल्व करती है। देवा के द्वारा बोले गए शब्दों को बड़ा महत्व दिया जाता है और हर किसी को इसका पालन करना होता है। और ये परंपरा लगभग 500 सालों से चली आ रही है। भूताकोला परंपरा खानदानी तौर पर होती है, जैसे कि हमने मूवी में देखा था जहां शिवा के पिता, उसका भाई और शिवा भी ये काम निभा रहा था। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने हमें कांतारा 2 आने वाली है इसका हिंट भी दिया है, जो कि हमने लास्ट सीन में देखा था जहां लीला प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब शिवा तो गायब हो गया है, लेकिन अब शिवा का बेटा अगली फिल्म में जरूर आएगा और वो इस प्रथा को आगे बढ़ाएगा। अगर ऋषभ शेट्टी पार्ट 2 बनाएंगे तो ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कांतारा मूवी इतने लोगों में प्रचलित हुई है, इसका एक ही कारण है कि इसकी कहानी और इसका कल्चर, साथ ही इसका VFX, BGM, म्यूजिक सारा खूबसूरत है। और इसी के साथ सारे एक्टरों ने भी लाजवाब एक्टिंग की है। ऋषभ शेट्टी और बाकी कलाकारों के सारे मेहनत नजर आती है, इसीलिए इस मूवी को इतना पसंद किया गया है। कांतारा मूवी का म्यूजिक तो बहुत ही लाजवाब है। जब देवा वो अपने पोशाक पहनकर डांस करते हैं तब इतना खूबसूरत नजर आता है कि उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मूवी के कई ऐसे सीन है जो दिल की धड़कन को रुका देते है, जैसे देवा की चीख और जंगल के वो अंधेरे वाले सीन बहुत ही जबरदस्त है। आपको एक बार तो ये कांतारा मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि कांतारा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर पार्ट 2 बनता है तो आप उसके लिए कितना एक्साइटेड है। और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब We'll be right back.